हर दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि आखिर क्यों बौखला गया चीन, ऐसी क्या बात हुई कि जिसकी वजह से चीन जो है उखड़ गया। और लगातार चूँकि काफ़ी दिनों से जो है चीन और जो है भारत के बीच में मतभेद चलते रहे हैं, चाहे वो जो है आपकी सड़क को लेकर के हुआ विवाद हो, या आपके लद्दाख की बात कर ली जाए तो, या तिब्बत की बात कर ली जाए तो, कई सारे विवाद जो है चलते रहे हैं। और उन्हीं छोटे छोटे विवादों को लेकर के आज ये इतना बड़ा जो है समय आ गया है। आइए चलते हैं। इसके पहले अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो COVID-19 के बाद क्या होगी दुनिया की स्थिति, ये वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के बाद देखिए, मैंने ये भी बताया था G7 में शामिल होगा भारत, अर्थात जो डोनाल्ड ट्रंप हैं भारत सहित कई देशों को जो है G7 में शामिल होने के लिए इनवाइट किए हैं। इसमें भी जो है डोनाल्ड ट्रंप का भी मकसद यही था कि चीन के जितने भी विरोधी देश हैं उनको सबको शामिल करके एक गुट बनाया जाए, एक गठबंधन बनाया जाए जिसकी वजह से चीन को घेरा जा सके। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर चीन उखड़ क्यों गया। देखिए, जो चीन की पहली सड़क थी हमारी, जो मतलब भारत ने दो सड़क बनाई, दो सड़क कौन कौन सी बनाई, तो पहली सड़क बनाई है जो चीन ने, पहली सड़क दरब्यूक सोक दौलत बेग ओल्डी है, जो देश के सबसे उत्तरी चौकी दौलत बेग ओल्डी को कनेक्टिविटी प्रदान करती है। 255 किलोमीटर लंबी दरब्यूक सोक दौलत बेग ओल्डी सड़क जो है ये लेह के अक्साई चीन सीमा से सटे दौलत बेग ओल्डी तक कनेक्टिविटी बनाती है। चीन की सीमा से करीब 9 किलोमीटर दूर तक यह रोड भारत के लिए अहम है, क्योंकि यह DBO सीमा पोस्ट तक पहुंचती है। आर्मी की भाषा में सब सेक्टर नॉर्थ सड़क का 220 किलोमीटर तक का निर्माण 2019 तक पूरा हो चुका था और शेष काम जारी है। तो देखिए, ये सड़क जो है, चूँकि चीन को इस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि भारत जो है वो अपनी ही सीमा में जो है ये सड़क बना रहा है, तो अपनी सीमा के अंदर भारत कुछ भी कर सकता है। दूसरी सड़क कौन सी थी, दूसरी सड़क ससोमा से लेकर सेसरला तक बनाई जा रही है, जो कि एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान कर सकती है। ससोमा सेसरला सड़क धुरी DBO के दक्षिण पश्चिम में है। इन दोनों परियोजनाओं को सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा बनाया जा रहा है। इन सड़कों के निर्माण के लिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में चीन की सीमा के पास 11,815 श्रमिक को काम पर लगाया गया है। आगे देखते हैं कि क्या है। तो देखिए, चीन को क्यों खटक रही है ये बात, जो DBO सड़क है चीन को क्यों खटक रही है, तो चीन की राजधानी लेह से चीन की सीमा पर स्थित काराकोरम के पास पहुंचने वाले DBO सड़क के इस साल पूरे हो जाने की उम्मीद है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह सड़क जो हमारी है, दरब्यूक से भारत सीमा के लद्दाख में स्थित आखिरी गांव स्योक तक पहुंचती है। लद्दाख को चीन के झिनजियांग प्रांत से लगभग अलग करने वाले काराकोरम के पास स्योक के बीच दौलत बेग ओल्डी स्थित है। और देखिए, 1,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह पहाड़ी मैदान भारतीय वायुसेना की सप्लाई के लिहाज से एडवांस लैंडिंग ग्राउंड ALG लोकेशन है। अगर बात करें तो चीन को ऐतराज किस बात पर है, तो भारत अपनी सीमाओं में कोई भी निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है। जैसे कि मैंने बताया कि भाई, मैं अपने सीमा के अंदर चाहे जो करूं। असल में गलवान वैली की घाटी जो है सुरक्षा के लिहाज से DBO सड़क महत्वपूर्ण है, और इस सड़क के कारण ही भारत लगातार पेट्रोलिंग कर पा रहा है। अब तक चीन ने सीमाओं पर जो पोस्ट बनाई है उसके जरिए वह गलवान वैली पर पूरी नज़र रख सकता है, इसलिए DBO पर चीन से खतरा भी है। चीन को इस बात पर ऐतराज़ है और वो नहीं चाहता कि भारत इस तरह की सामरिक रणनीति पर आक्रामकता के साथ काम
करें। तो चलिए आखिर आगे बात करते हैं कि और क्या बात थी जिस पर चीन जो है इतना बौखलाया। अगली बात देखिए, भारत का जो मिरर डिप्लॉयमेंट था, भारत का जो मिरर डिप्लॉयमेंट था, एक योजना थी, उसकी वजह से भी चीन चिढ़ गया। मिरर डिप्लॉयमेंट का मतलब, मिरर मतलब जानते होंगे शीशा, अर्थात जैसा आप उसमें दिखाएंगे वैसा दिखेगा। तो यही कारण था, जिस तरह चीन करता था बाउंड्री लाइन के पास, उसी तरह भारत ने भी करना शुरू कर दिया। तो भारत चीन की सीमा पर चीन अपने आक्रमण तेवर दिखाने से बाज नहीं आ रहा। चीन पूर्वी लद्दाख में लगातार सेना की टुकड़ियों बढ़ाता जा रहा था। चीन के आक्रामक रुख को भारत ने भी ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पोंगांग सो झील और गलवान वैली क्षेत्र के आसपास अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब ये पुरानी घटना है, मतलब कि पिछले 5-6 दिन से जो भी घटनाएं घट रही हैं उन सभी घटनाओं का सार जो है मैं लेकर के एकत्रित हुआ हूँ। तो इसके बाद देखिए होता क्या है कि जिस प्रकार चीन बढ़ा रहा था अपने सैनिक, उसी प्रकार भारत भी जो है अपने सैनिक बढ़ा रहा था। भारत का तर्क है कि उसका यह कदम चीन के बढ़ते कदमों को रोकना है, ना कि कोई जंग शुरू करना है। हालांकि चीन ने भी इस इलाके में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए गलवान घाटी में सरगर्मियां बढ़ा दी और चीन ने इस क्षेत्र में तकरीबन 100 टेंट गाड़ दिए हैं। मतलब कि जब भारत चीन जब अपने सैनिकों को लगाता तो भारत भी अपने सैनिकों को भेज देता, तो इसी प्रकार चीन ने जो है 100 टेंट गाड़ दिए और पूरे क्षेत्र को एक सैनिक छावनी में तब्दील करने की फिराक में है। ये भी माना जा रहा था कि जो है जो चीन है इस क्षेत्र में मशीनों की तादाद में भी इजाफा कर रहा है, जिसका मकसद यहाँ पर सैनिकों के लिए बंकर बनाना हो सकता है। हालांकि भारत ने भी चीन को इन हरकतों का नाकुल जवाब देने के लिए कमर कस ली है। भारत ने चीन के विरुद्ध मिरर डिप्लॉयमेंट तकनीक का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। तो मतलब मिरर डिप्लॉयमेंट तकनीकी क्या है, मिरर डिप्लॉयमेंट तकनीक की आइए देखते हैं, इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। भारत चीन सीमा का जो विवाद है वो नया नहीं है। दोनों देश को जो दुनिया के उन देशों में शुमार हैं जिनके बीच सबसे लंबी बिना खींची सीमा है, भाई चूंकि पता है कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है वो केवल एक काल्पनिक सीमा रेखा है, केवल मानी गई सीमा रेखा है, जो कि 1962 में एक जंग लड़ी गई थी जिसके बाद से दोनों देशों के बीच सीमा पर छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं। हालांकि 1975 से अब तक इस साझा सीमा पर एक दोनों मुल्कों की ओर से एक गोली तक नहीं चली, लेकिन हाल ही के घटनाक्रम को देखकर ये बात जाहिर है कि इस बार की झड़प जो है एक दोनों मुल्कों की ओर से एक गोली भी नहीं चली और इस बार की जो झड़प है वो एक जंग में तब्दील होने की पूरी गुंजाइश है। दोनों मुल्कों की ओर से सीमा पर सेना की तैनाती दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। दशकों से चीन को आधिकारिक सेना पीपल लिबरेशन आर्मी भारत की एक तरह से सैन्य तैयारियों की परीक्षा ले रही है। इसके अलावा कई रणनीति क्षेत्रों में वो भारत की राजनीतिक सूझबूझ की भी परख कर रही है। आगे अगर बात करें तो दरअसल में मिरर डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि चीन के किसी भी कदम के मुताबिक भारत को वैसे ही कदम उठाएगा, मतलब चीन जैसा करेगा भारत भी वैसे करेगा। अगर चीन सीमा पर अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाता है तो भारत भी उतनी ही सैन्य क्षमता सीमा पर इसी प्रकार बढ़ाएगा। इसके अलावा चीन अगर सीमा पर अपने संसाधनों में इजाफा करेगा तो भारत भी उसी तरह अपने संसाधनों में इजाफा करेगा। मतलब ये हुआ कि जो कुछ चीन करेगा वो चीज़ भारत भी करेगा। चीन ने हाल ही में पोंगांग सी झील में अपनी गश्ती नावों को की संख्या बढ़ा दी थी। इसके अलावा गलवान घाटी में भी चीन के हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखा गया। भारत और चीन दोनों ने अपने कुछ हजार से ज़्यादा सैनिकों को सीमा पर तैनात किया। इसके अलावा भारत एहतियात के तौर पर और भी बटालियन की इकाई लद्दाख भेज रहा है। अगर हम बात करें पेंगोंग झील पर 5 मई को चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हुई झड़प की खबर आने के बाद से पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाओं के बीच ये जो मतलब मुद्दा था वो बढ़ता जा रहा था। पेंगोंग सी झील जो थी
दो तिहाई भाग चीन के कब्जे में है और चीन इस घटना के बाद से अपनी सेनाओं को लगातार बढ़ाता जा रहा है। न तनाव के बीच भारतीय सेनाओं के प्रमुख एम नरवड़े ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र का दौरा किया और वहां के स्थिति का जायजा लिया। आगे देखिए आगे क्या था। ठीक, तो ये जब जायजा लिया, तो जायजा लेने के बाद भाई अब चूंकि पूरी तरह से जो है चीन को ये पता चल गया कि भारत भी पूरी तरीके से तैयार हो गया है, और इसी के बाद ही जो छोटी मोटी झड़प हुई उसके बाद क्या हुआ आप सब लोग जानते हैं। ठीक, तो अब कल हम लोग मतलब कि कल या आज शाम को मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि आखिर भारत की सेना जो है क्या है। चूँकि देखिए चीन की सेना ने तो कोई भी युद्ध नहीं लड़ा अभी तक, मतलब अभी हाल ही में, लेकिन भारत तो हमेशा युद्ध, भले ही चीन के सैनिक बहुत ज़्यादा हों भारत के कम हों, लेकिन भारत के सैनिक एक धारदार हथियार की तरह हैं कि वो जो है लगातार अभी हाल ही में देखिए सर्जिकल स्ट्राइक हर चीज़ चलता रहता है, अर्थात वे सक्रिय हैं और चीन के सैनिक सक्रिय नहीं हैं, इसलिए भारत को इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।